नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। मतलब हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों होती है? आपको पता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है उसे बहुत सारे टास्क फुलफिल करने होते हैं। लाइक जो गवर्नमेंट होती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बहुत तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, देन टैक्स कलेक्ट करना, देन उस पैसों को डिफरेंट जगह पे खर्च करना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, डिफेंस देखना। तो बहुत सारे टास्क होते हैं गवर्नमेंट के पास जो कि सिर्फ एक व्यक्ति उसे पूरा नहीं कर सकता। तो इन सारे टास्क को पूरा करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, पहले तो ये काम होता है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई ये काम कैसे किया जाएगा। तो उस डिसीजन को लेना एक इंस्टीट्यूशन करता है, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसीजन लेने का काम करते हैं। देन उस लिए हुए डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पर, तो उसे कौन करते हैं? हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सिविल सर्वेंट करते हैं। तो वो भी अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं। तो और देन अगर जो सरकार ने कानून पास किया, जो लॉज पास किए, उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने का जिम्मा किसका है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी जुडिशरी की। सो जुडिशरी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। सो डिसीजन लेना, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजॉल्व करना जुडिशरी का काम है। तो इसीलिए जो है हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मिलजुल कर काम करते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा है कि जो हमारा इससे पहले जो आपने ऑफिस मेमोरेंडम देखा था, उसमें आपने देखा था कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, देन उसे लोकसभा में पास करवाया जाता है, और जब वो लोकसभा में पास जो आता है उस पर कानून बन जाता है, तो जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो सरकार का कानून नहीं मानते, जैसे अभी आपको मैंने एग्रीकल्चर का एग्जांपल दिया कि जो किसान है वो एग्रीकल्चर लॉ को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करके जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है। अगर जो लोग इस कोई भी कानून को नहीं मानते, अगर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करके फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर जो होते हैं वो आपके डिसीजन टेकर्स हैं, देन आपके सिविल सर्वेंट हैं जो कि आपके उसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व करता है। तो ऑल दीज आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जिससे हमारे जो गवर्नमेंट है उसका फंक्शनिंग प्रॉपरली जो है वर्क करता है।